दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी जब कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है तो केस चलने के दौरान कई बार आप अपने वकील साहब को बदलना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस केस की पूरी फाइल निकलवाना चाहते हैं, या कई बार जब आप वकील साहब को चेंज करते हैं, दूसरे वकील साहब अपॉइंट होते हैं, तो पिछले जो वकील साहब थे कई बार फाइल देने के लिए मना कर देते हैं कि हमारे जो बेस्ट एफर्ट्स थे, जो हमने उसमें काम किया, हम किसी को क्यों दें। तो ऐसे ही केसों के अंदर आपको अपने केस की पूरी एक फाइल निकलवानी पड़ती है कोर्ट से। तो कोर्ट से आप उस फाइल को कैसे निकलवा पाएंगे, कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, क्या प्रोसीडिंग होगी, क्या तरीका होगा, उसके बारे में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान और छोटी मोटी जो लीगल प्रक्रिया होती है या जो आपके अधिकार है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, वरना कभी जिंदगी की छोटी बड़ी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, मुसीबत आएंगी जो कि आपकी पूरी जिंदगी को ही हिलाकर रख देंगी। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है और उसमें बिल्कुल आपको मदद करेगी हमारी ये वीडियोज जो हम लेकर आते हैं। हम एफर्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको कानूनी जानकार बनाने की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों होता क्या है, आपको कोई भी किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं अपने उस कोर्ट में जाकर फाइल निकलवानी है पूरी, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक फॉर्म आता है, आप देख रहे होंगे CAI फॉर्म आप जाके कोर्ट में ले लें। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग कोर्ट में थोड़ा और भी कोई प्रक्रिया अलग से हो। आप जाकर ये फॉर्म लेंगे, इस फॉर्म को पूरा फिल करेंगे। फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद में तरीके से आप फिल कर देंगे, टिकट लगेगी, टिकट के साथ में आपका वकालतनामा जो आपके वकील साहब ने वहां पर दिया हुआ है। वकील साहब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। वकील साहब ने जो वकालतनामा दिया हुआ है उसकी कॉपी लगेगी, ये जाकर जज साहब से जाके आप अटेस्ट करवाएंगे, मतलब कोर्ट में जाएंगे, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहां से वो अटेस्ट होगा। अटेस्ट होने के बाद में आप फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे जहां फाइल होती है सब चीजें। ये आप फाइलिंग सेक्शन में जाने के बाद में इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और कुछ पेमेंट होती है। जब भी आप पूरी फाइल निकलवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म पर हमेशा मेंशन करें कवर टू कवर, मतलब पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक मुझे सारे पेजेस चाहिए। आप ये मेंशन कर दोगे तो पूरी फाइल आपको बिल्कुल मिल जाएगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल, कोई भी किसी तरह के डाउट्स आप पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर आप कुछ पर्सनली कुछ जाते हैं जानना तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।